Hello everyone, myself Pooja and I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. In this video, we are going to deal with the tribes of Jharkhand. Tribes of Jharkhand पढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ ये जो वीडियो होगा ये एक सिंगल वीडियो नहीं ये एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज होगा क्योंकि झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स हैं और उसको पूरा डील करने के लिए 3 से 4 वीडियो लग ही जाएगा. ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप इन सब के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिनका नाम सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं लिखे हुए जो मैं मुँह से बोल दूँगी, और अगर आप नोट्स बना ही रहे हो तो आप लोग प्लीज़ एक पेन पेपर ले करके बैठो ताकि आप वो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको नोट करना है, वरना सारे चीज़ नोट्स में अवेलेबल है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और हाँ, एक और चीज़ कि आपको ये कनेक्ट करना है जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया था आप लोग को ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में. तो अगर जैसे संथाल ट्राइब आएगा तो आपको डायरेक्ट उसको मांझी ट्राइब से कनेक्ट करना है. ठीक है, अगर आप वैसा करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप कनेक्शन के थ्रू बहुत कुछ समझ जाइएगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जो ट्राइब्स है झारखंड के, ये मेनली जो है वो 5th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं. हम लोग को पता है कि हम लोग के जो स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें टोटल 12 schedule है. ठीक है, जिसमें कि 5वां जो स्केड्यूल है ना वो ST SC से डील करता है. ठीक है, तो उसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 244. ठीक है, आप लोग का स्केड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पढ़ना है. ठीक है, और तो वही डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स. ठीक है, इंडिया सॉरी झारखंड में टोटल 32 ट्राइब्स हैं. ठीक है, और हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है. ये जो ट्राइब है ये 2 टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं. एक है मेन ट्राइब जो 24 होते हैं टोटल, एक होते हैं एबोरिजिन्स. ठीक है, इसको हम लोग प्रिमिटिव ट्राइब भी कहते हैं. ये टोटल 8 होते हैं. ठीक है, तो फिर ये क्या क्या होते हैं, तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, करवा, पहाड़िया, सबर, माल पहाड़िया. ठीक है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना है. और झारखंड का अगर रैंक देखें ट्राइबल पॉपुलेशन में तो वो 4th rank पे है. एक और चीज़ की ये जो ट्राइबल होता है ना वो आर्टिकल 342 से भी डील करता है. 342 से भी आर्टिकल जो है वो ट्राइब से डील करता है, और आर्टिकल 244 जो है वो स्केड्यूल 5 के तहत डील करता है, वो भी किससे, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स. ठीक है, अब 2011 का सेंसस देख लेते हैं. तो जो टोटल पॉपुलेशन था ST का वो कितना 86,45,042 था टोटल. ठीक है, जो कि 26.2% था स्टेट पॉपुलेशन का, मतलब जो झारखंड है उसमें अगर लगभग 2 से 3 करोड़ पॉपुलेशन है. ठीक है, तो उसका जो 86 था मतलब इतना. ठीक है, सॉरी, ये अगर पूरा झारखंड है तो इसका जो इतना पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है इसमें ST लोग रहते हैं. ठीक है, इतना में बाकी में नॉर्मल पीपल. जो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू ट्राइब तो वो खूंटी है, और जो लीस्ट पॉपुलेटेड है वो कोडरमा है. ठीक है, कोडरमा. फिर अर्बन पॉपुलेशन देखें तो शहर में मात्र 7.41% पीपल रिसाइड करते रहते हैं, और जो रूरल पॉपुलेशन है वो 92.86 है. इसका मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं वो मेनली वो गांव में ही रहते हैं, और जो शहर में रहते हैं वो बहुत कम ही रहते हैं. ठीक है, फिर जो अर्बन पॉपुलेशन जो टॉप 3 अगर हम मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट देखें तो खूंटी आता है नंबर 1 पे, फिर सिमडेगा, फिर गुमला. KSG ऐसे आप याद कर सकते हैं, खूंटी, सिमडेगा, गुमला. ठीक है, और जो बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट है मतलब सबसे कम है कोडरमा में, उसके बाद है चतरा में, फिर है हजारीबाग. ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, पहले सबसे ज़्यादा है खूंटी, सिमडेगा, गुमला, और सबसे कम है कोडरमा, फिर चतरा, फिर हजारीबाग. मतलब मतलब सबसे कम है कोडरमा में और सबसे ज़्यादा है खूंटी में. ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं. आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको ट्राइब्स को उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कनेक्ट करना है. तो जितने 1 पॉइंट
मतलब वन लाइनर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और वो मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसे जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 4 से 5 ट्राइब कवर कर दिए जाएंगे। तो पहला संथाल ट्राइब है, ये सबसे ज़्यादा है झारखंड में, मतलब ये टॉप पे है। अगर देखा जाए तो टॉप पे है संथाल, ठीक है, फिर दूसरा पे है उरांव और तीसरा पे है हो, ठीक। तो इनका जो लैंग्वेज है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, ठीक है, इनका सॉरी इनका जो ओरिजिन है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, और इनका लैंग्वेज संथाली है, और इनका जो लिपि है वो ओलचिकी है, ठीक। ये मेनली कहाँ रिसाइड करते हैं, तो संथाल परगना डिवीज़न में रिसाइड करते हैं। संथाल परगना डिवीज़न ये वाला हो गया, यहाँ जो है ये आपका देवघर, जामतारा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, ये जो 6 है यहाँ पे, फिर धनबाद, फिर चतरा, फिर बोकारो, फिर यहाँ पे आपका कोडरमा, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम, फिर यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम, और यहाँ हजारीबाग, ठीक है। मेनली ये इतने दूर में रिसाइड करते हैं, तो अगर कभी पूछा जाए तो ये इस तरफ उतना रिसाइड नहीं करते हैं, बहुत खराब। फिर जो इनका गोत्र है वो मेनली है मुर्मू, ठीक है, गोत्र इनके 12 है, जो कि मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रम, किस्कू, बास्के, बसेरा, पोरिया, टूडू, गेंदवार, चोरे और मरांडी है, ठीक है, 12 इनके गोत्र है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। इनका जो विलेज स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक है, कि अगर बीच में एक मेन होता है, जैसे इसको मांझी थान कहते हैं, बीच में मेन मांझी थान होता है, जहाँ पे मेन जो वहाँ के हेड होते हैं वो रहते हैं, और उसके ही अगल बगल में पूरा गांव के जितने लोग हैं उनका घर होता है, ठीक है, और गांव के ही पूरा अगर ये विलेज हो गया तो ये जो होता है ये इसको जाहिर थान कहते हैं, जहाँ पे पेड़ उड़ लगाया जाता है। जो विलेज चीफ होते हैं उनको मांझी कहते हैं, जो वाइस चीफ होते हैं उसको परनायक कहते हैं, मैरिज डिस्प्यूट जो सेटल करता है उसको जोग मांझी कहते हैं, जो कि लीडर होता है यूथ का, और जो मैसेंजर होता है जो बात को यहाँ से उधर मतलब करता है, जो विलेजर्स और मांझी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है उसको गोरेट कहते हैं। आप इससे वो सब भी याद कर लीजिएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पढ़े थे, जो कि नायके होता है, रिलीजियस हेड, ठीक है, फिर आपका कुदुम नायके होता है आपका असिस्टेंट टू विलेज प्रीस्ट, फिर जोग मांझी जो मैंने बताया है कि विलेज डिस्प्यूट को सेटल करता है, ठीक है, विलेज का डेप्यूटी हेडमैन होता है, ठीक है, और मैरिज डिस्प्यूट भी सेटल करता है, फिर एक परमायक होता है जो कि असिस्टेंट टू द विलेज हेडमैन होता है ये, ठीक है, ये सब आप याद कर जान लीजिएगा। उसके बाद जो इनका मेन फेस्टिवल्स होता है वो होता है पाहा, सोहाय, कर्मा, सरूल, बंदना, इरोग, मक्षीम और हरिहरशीम, ठीक है, ये सब इनका फेस्टिवल होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है पंचायत का वो होता है मांझी, फिर देश मांझी, फिर परगना या परगनैत, ठीक है, ये परगना को पीर भी कहते हैं, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं उससे पिछले वीडियोस में। फिर एक उरांव ट्राइब, यहाँ पे आप स्पेलिंग सही कर लीजिए, यहाँ यू नहीं होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है, उरांव ट्राइब इसका सेकंड पॉपुलेशन है, इसको हम लोग भुइयर भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आए थे तो जंगल था पूरा, तो जंगल को काट काट के ये लोग एग्रीकल्चर यहाँ पे सेटअप किए, स्टार्ट किए थे। ये जो रिसाइड करते हैं तो ये भी संथाल परगना डिवीज़न में, लतेहार में, हजारीबाग में, सिंहभूम में, फिर यहाँ पलामू में, यहाँ कोडरमा में, ठीक है, यहाँ पे इतना दूर में ये रिसाइड करते हैं। इनका जो गोत्र होता है वो होता है तिकरी, कच्चप, मिंज, खलकोस, एक्का, खाखा, किरकेटा, लकड़ा, तोपो, कुजूर, ये सब इनका गोत्र होता है। ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, ठीक है, और जिसको पर्शी प्रथा कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे मेहनत विनिमय कहेंगे। इनका क्या है कि एक सेम विलेज में मैरिज नहीं होता है, मतलब अगर कोई लड़का और लड़की एक ही गांव का है तो उसमें शादी नहीं होगा, क्योंकि शायद उनका गोत्र सेम हो जाता होगा, ठीक है। हर 3 साल में ये लोग एक फ्रेंडशिप टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको सैया चहान कहते हैं, ठीक है, सैया चांद कहते हैं, लड़की को उसमें गोई कहा जाता है और लड़का को उसमें लार या संगी कहा जाता है, ठीक है। एक बैचलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको धुमकुरिया कहते हैं, युवा गृह जो हिंदी में कहेंगे, ये एक प्लेस है वेयर अ पर्सन इज टॉट सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जिसको आगे ज़िंदगी में कैसे रहना है। तो ये बॉयज़ है, ये 10 से 11 उम्र होता है इन लोग का, इनको इसमें भेज दिया जाता है और लड़की को भी भेज दिया जाता है 10 से 11 उम्र में, ठीक है। ये जो इनका घर होता है इनको जॉक एरपा कहते हैं, यहाँ पे इनको वो कहते हैं,
और लड़की को पेड़ रेपा कहते हैं। इनका जो चीफ होता है लड़का लोग में उनको धंगर महतो कहेंगे और लड़की में बड़की ढांगरी कहेंगे। ठीक है, फिर ये तीन कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, मतलब अगर लड़की बहुत यंग है, मतलब अभी 10-11 साल ही हुआ है, तो उनको पुनका जोहर कहेंगे। अगर वो मिडिल में आ जाती है, मतलब 14 से 15 साल में, तो उनको मांझ जोहर कहेंगे। और वही फिर 17-18 साल में या उससे ज़्यादा में उसको कोहा जोहर कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी, मतलब सबसे यंग जो होगी वो पुना जो जोकर जोक है, और जो उसके बाद होगी मतलब मिडिल में तो मांझ जोक 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 है, और जो सबसे एल्डर होगी वो कुहार जोक है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि इनका जो मेन गॉड होता है वो धर्मेश होता है। ठीक है, उनका मेन गॉड धर्मेश होता है, जिसको सिंह बोंगा कहते हैं, और सिंह बोंगा मतलब होता है सिंबल ऑफ गॉड। बाकी जो गॉड होते हैं जिसमें कि मरांग बुरु, ठाकुर देव, दीवार, पूर्वज आत्मा। ठीक है, जो मरांग बुरु होते हैं वो हिल गॉड, ठाकुर देव विलेज गॉड, दिलवार बॉर्डर गॉड, और पूर्वज आत्मा कुल देवता। ठीक है, इनका जो टेम्पल होता है उनको सरना कहते हैं, और जो प्रीस्ट होता है उसको पाहन कहते हैं। ठीक है, फिर जो इनमें फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सरहुल, कर्मा, जितिया, नवाफानी, फागु जत्रा और हार बोरा होता है। हार बोरा में क्या होता है, रिवर्स के पास जाया जाता है, जहाँ पे मतलब जो लोग मर जाते हैं उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है। ठीक है, जो जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव होता है उसका जो हेड होता है उसको महतो कहते हैं। एक के होते हैं महतो, 15 से 20 को पहरा पंचायत कहते हैं, पहरा प्रधान, और जो ये कहाँ होता है तो अखरान होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में सब बता के रखा है। और ये एक मेन प्रीलिम्स फैक्ट है कि ये मोस्ट लिटरेट ट्राइब होता है। ठीक है, मोस्ट लिटरेट ट्राइब। अब है मुंडा ट्राइब, ये जो है ये थर्ड रैंक पे, अच्छा सॉरी, सबसे पहले संथाल, फिर है ओराव, और फिर है मुंडा सोम। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये फर्स्ट पे अभी झारखंड में, सॉरी ये फर्स्ट पे झारखंड में, ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे। ठीक है, मैंने हो गलती से बोल दिया था। और फिर प्रोटो एस्ट्रोलॉयड देश के होते हैं ये, और लैंग्वेज में मुंडारी होता है, जो कि होदो जोगर कहते हैं इनको। इनका ये कहाँ रिसाइड करते हैं, तो ये भी संथाल परगना रीजन में रिसाइड करते हैं, गिरिडीह में। फिर आपका यहाँ पे गुमला है, यहाँ पे गुमला अगर इसको झारखंड बनाएंगे तो। ठीक, यहाँ पे हजारीबाग, ठीक है हजारीबाग यहाँ पे, फिर सिंहभूम और पलामू यहाँ पे। ठीक है, इतना जगह पे ये रिसाइड करते हैं। इनका जो गोत्र होता है उनको आई आई कहते हैं, कुंडलना कहते हैं, किरकेटा कहते हैं, टूटी, दुंगदुंग, तोपानो, पूर्ति, बरला, बागे, बालमुचू, बेगरा, बोदरा, बेंगरा, सूरी, ये सब कहते हैं। इनका जो मुंडा गांव होता है उनमें थ्री प्लेस होता है, इनका मेन तीन जगह होता है। ठीक है, जिस पहला होता है सरना, जो कि टेंपल होता है, अखाड़ा ना कि पंचायत का बैठक होता है, और फिर एक है शासन, शासन में समाधि होता है। ठीक है, जो इनका युवा गृह होता है उनको गीति ओरा कहते हैं। ठीक है, जो सिंह बोंगा है इनके मेन गॉड है, मेन भगवान इनके सिंह बोंगा होते हैं। और जो बुरु बोंगा होते हैं वो पहाड़ गॉड है, मतलब हिल गॉड है। ठीक है, और जो हाथु बोंगा होते हैं वो विलेज गॉड है, और जो औदा बोंगा होते हैं वो कुल देवता है। टेंपल पाहन होता है, और जो प्रीस्ट होता है उसको टेंपल सरना होता है, और जो प्रीस्ट होता है वो पाहन होता है। आप लोग इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इनका जो फेस्टिवल्स होता है तो मेन फेस्टिवल सरहुल, कर्मा, सोराय, मागे, अनोबा, फागु, ये सब इनके मेन फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं। इनका भी जो जुडिशियल और लीगल हेड होता है वो मुंडा होता है। ठीक है, जो इनका मेन काम होता है टैक्स रिवेन्यू लेना, मतलब रिवेन्यू लेना। इनको पहरा पंचायत होता है, 22 से 21 लोग पहरा पंचायत कंस्टिट्यूट करते हैं, जिनके हेड मान 22 से 21 गाँव। ठीक है, और एक गाँव में मुंडा होते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये हो ट्राइब है। हो ट्राइब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के होते हैं। ठीक है, इनका लैंग्वेज हो होता है, और जो लिपि होता है वो बद्दादिची होता है। ठीक है, ये रिसाइड करते हैं ईस्ट सिंहभूम, ये मेनली कोल्हान रीजन में रिसाइड करते हैं। जब इंट्रोडक्शन होगा झारखंड का तो बताएंगे कि ये तीन जगह है ये कोल्हान को फॉर्म करता है, जो कि आपका वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ईस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, ये सब कोल्हान रीजन में आता है। तो ये मेनली ये तीन जगह पे रहते हैं। ठीक है,
इनका जो गोत्र होता है उनको बोद्रा होता है, बिरुवा, दिगुवा, बोपाई, बिरुवाली, बलमुच्चू, बागे, बदाई, गागरी, जमुदा, बेगम और लुगुन और लगुड़ी, ठीक है, लुगुन और लगुड़ी इनका गोत्र होता है। इनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो मेन एग्रीकल्चर होता है, जो लैंड को 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, एक होता है बेदो, एक होता है वदली, एक होता है गोडा। बेदो वो होता है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाएगा लैंड, उसको बेदो कहेंगे, ठीक है, जो उपजाऊ ज़मीन होता है। और वादी होता है जिसमें धान खेत होता है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। और गोदा मतलब होता है जिसमें मोटा अनाज का वो कल्टीवेशन होता है। इनका मेन गोट सिंगबोंगा है, और बाकी गोट में देशावली है, ओती है, बोदोन है, मारंग है, बुरु है, नागबोंगा है, ठीक है। ये लोग वर्कशिप हिंदू गॉड्स को भी करते हैं। इनमें 5 टाइप के मैरिज शादी होते हैं, ठीक है। एक होता है आदि बापला, दीकुवादी, ओपोर तिपी, राजी खुशी और अनादर विवाह। ये 5 टाइप के विवाह होते हैं लोग में। और एक चीज होता है वधु मूल्य, ठीक है, वधु मूल्य, इसको पौन कहते हैं। और ये संथाल में भी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर लड़का लड़की में शादी होता है, ठीक है, तो अगर ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय है और ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो फिर ये ऐसे तो नॉर्मल होता है कि लड़की को दहेज देना पड़ता है, पर यहाँ क्या होता है ना कि इसको जा करके इसके यहाँ कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि ये वधू मूल्य चुकाता है, मतलब द प्राइस ऑफ द गर्ल ही हैज़ टू पे बाय गिविंग समथिंग टू द फैमिली और बाय पेइंग टाइम टू द फैमिली, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड करके कुछ करके वो लोग ये करता है, ठीक है। फिर फेस्टिवल्स देख ले तो बाहा है, हेरो है, मागे है, बतौली है, दमुराय है, जोमनामा है, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं इनके। फिर ये जो होता है तो एक गांव में मुंडा होता है जिसके असिस्टेंट डाकुआ होते हैं, और 5 से 10 गांव मानकी कहलाता, 5 से 10 गांव पीर कहलाते हैं। स्पेलिंग चेंज कर लीजिए, PIR होगा, जिसके हेड मानकी होता है, ठीक है। ये आज के लिए ये इतना ही था जो कि मैंने 4 ट्राइब करा दिया, और आने वाले सेशन में पूजे के टोटल 32 ट्राइब हो जाएंगे। आप लोग इसका प्लीज़ नोट्स बना लीजिए और मतलब साथ ही साथ इसको याद करते जाइए या इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। और ये भी मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को अगर झारखंड SSC का मेंस के लिए आप लोग सीरियस है और अगर आपने इंग्लिश पेपर उसको चुना है, चाहे वो JPSC के लिए हो या JSSC के लिए हो, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आप बना दूंगी, वरना ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, आप प्लीज़ बता दो तो मैं उसे क्लियर कर दूंगी, और वरना मैं इसी झारखंड से कंटिन्यू करूंगी, और इससे भी ज़्यादा होगा तो फिर आई विल कंटिन्यू विद द GS पेपर, जो कि जितना हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक वो सब होता है, वो सब, और PIB के सेशन भी, वो सब हो जाएगा ना। तो फिर आप इसी चैनल पे कंटिन्यू रहिए, और अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट रहिए। कल तक मैं एक से 5 से 6 ट्राइब के बारे में और भी बता दूंगी। Thanks for watching. Stay with us.